दोस्तों नमस्कार, बैक पाइप कोर्स के पांचवें दिन में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेंटर के बारे में, जाने प्रैक्टिस सेंटर के बारे में कुछ नया। दोस्तों आज हम शुरू से लेकर अंत तक प्रैक्टिस सेंटर के बारे में जानेंगे। प्रैक्टिस सेंटर में कितने हॉल होते हैं, प्रैक्टिस सेंटर में रेट कौन सा लगाया जाता है और कौन से प्रैक्टिस सेंटर अवेलेबल है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर पर देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे प्रैक्टिकली और सीखेंगे। दोस्तों अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर दो प्रकार से अवेलेबल है, एक प्लास्टिक सेंटर एक वुड सेंटर। पर मैं प्रेफर करूंगा आप सभी को कि प्लास्टिक सेंटर ही आप ले, क्योंकि प्लास्टिक सेंटर ड्यूरेबल रहता है और आसानी से ख़राब भी नहीं होता है। और देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये जो होल, इसे हम लोअर जी कहते हैं और उसके बाद ऊपरी जो एक स्टेप अगर ऊपर बढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं ए। ठीक है, इसे हम कहते हैं बी और इसे कहते हैं हम, देखिए मैं उंगली सभी उंगली रख के आपको बताऊंगा ताकि आपको इजी पड़े। यहाँ पर टोटल होल 1 2 3 4 5 6 7 8 होल है और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे इसे हाई ए से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप सभी को कैसे बजाया जाता है खास करके, और अगर पूरे उंगली ये होल को बंद किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, वो आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। देखिए अगर आप पूरा रखते हैं तो उसे लोअर जी कहा जाता है, अगर आप ये लिटिल फिंगर उठाते हैं तो इसे कहते हैं ए, और उसके बाद रिंग फिंगर भी उठाते हैं आप तो उसे कहते हैं बी। ठीक है, इसे दो उंगली रखने से बी कहा जाता है, इसे याद रखें, और एक उंगली रखते हैं तो इसे सी कहा जाता है। अगर आप वो भी उठा दें तो इसे कहते हैं डी, देखिए ध्यान से देखिए डी। और फिर अगर ये भी उठा दे तो इसे कहते हैं हम ई, ई नोट, और उसके बाद एफ नोट, ये एफ नोट है, और उसके बाद ये हाई जी नोट, ऐसे रखा जाता है हाई जी, और उसके बाद अगर ये छोड़ते हैं आप पूरा उठा देते हैं तो हाई ए कहा जाता है, हाई ए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप रख सकते हैं। सेंटर के बारे में भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सीखते हैं और सिखाएंगे फ्यूचर में तो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ, पर याद रखिएगा जब आप खोलते हैं इसे बहुत धीरे से खोलिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। देखिए हाँ, यहाँ पर सेंटर, नॉर्मल सेंटर की बात करें तो उसमें भी नॉर्मल सा एक वुड रिड लगाया जाता है, पर अगर ये प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में प्लास्टिक रिड ही लगाया जाता है, जो कि हम कहते हैं कि फॉरेन से मंगवाया जाता है इसे। अगर आप ये लगाते हैं तो ये इसका जो लास्टिंग है लॉन्ग टर्म तक चलता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, पानी में अगर आप डुबोएंगे तो ये ख़राब भी नहीं होता। देखिए आपको धीरे धीरे करके लगाना है, फिक्स करना है इसे, ताकि प्लास्टिक सेंटर को कोई भी नुकसान ना हो। और ये बहुत ही अच्छा सेंटर है, मैं प्रेफर करूँगा आप सभी को कि प्लास्टिक सेंटर ही लें आप सभी, ताकि लंबे समय तक चले। देखिए आज इस वीडियो लेक्चर पर आपने सीखा कि सेंटर के होल के नाम, और उसके बाद सेंटर कौन से आपको लेना चाहिए, वुड का लेना चाहिए प्लास्टिक का, आपको ये भी जानकारी मिली है इस वीडियो पे। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाले दिनों में आने वाले वीडियो लेक्चर पे आप नोटेशन सीखेंगे। दोस्तों आप नोटेशन तो सीखेंगे ही, इसके साथ साथ सेंटर के बारे में, बैक पाइप कैसे साफ करना है इसके बारे में, और आने वाले दिनों में आपको नोटेशन बारीकी से सिखाया जाएगा, और ये भी सिखाया जाएगा कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, कैसे ड्रोन सेट करना है, वो सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर पे आपको सिखाया जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल करें, मेरा मकसद है कि आपको पूरी तरीके से सिखाना है, आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। दोस्तों मुझे आशा है आज के इस वीडियो लेक्चर पे आपने बहुत कुछ सीखा है, फिर से हम नया चीज़ सीखेंगे, मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर पे।